हेलो दोस्तों, मैं हूं यशवंत, एक पंप का मैकेनिक। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि पंप को चलाने से पहले आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या आपको कार्य सबसे पहले करना चाहिए, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि सबसे पहले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप को किस तरह से चलाया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल बटन को दबा करके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो जान लेते हैं सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। ये हमारे पास थ्री फेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे किटकैट है और ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है जो मैंने आपको पहले भी बताया है। रनिंग पोजीशन भी मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास पंप सेट्स हैं जो कि प्राइम मूवर हमारा मोटर है, थ्री फेस की ये मोटर है और हमारे पास मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सबसे पहले जो हमें करना रहता है, सबसे पहले हम इसका जो है ये चेक करेंगे कि इसमें लुब्रिकेंट सबसे पहले डालना होता है पंप बियरिंग में, और साथ ही साथ हमें जो है चेक करना जो हमारी डेली रूटीन की ये बातें हैं। तो सबसे पहले हमें लुब्रिकेंट चेक करना होता है दोनों का, क्योंकि मोटर का आपको वीकली कर सकते हैं आप और क्वार्टरली कर सकते हैं। इसका जो है जो हमने यहाँ पे इसको कवर से ढक दिया है ताकि कई बार पानी लीकेज होने की वजह से, जिस तरह से ये पानी लीक हो रहा है इसकी वजह से पानी ऊपर ना आए और हमारे पैनल या स्टार्टर के ऊपर ना पड़े। तो सबसे पहले हम इसमें लुब्रिकेंट डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से कैप को खोलेंगे, तो ये हमने खोल दिया और ये हमारे पास लुब्रिकेंट ऑयल है जो कि मोबिलाइल के रूप में है, और हमने इसको थोड़ा सा अपनी सहूलियत के लिए जो है इस ढक्कन में छेद किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे हम, ये आपको एक या दो दिन के भीतर आपको इस तरह का प्रोसीजर आपको अपनाना चाहिए, तो ताकि आपके जो बियरिंग है, पंप बियरिंग है या मोटर बियरिंग है, वो जो है सही से वर्क करते रहें और उसमें कोई लुब्रिकेंट की जो है कमी ना रहे। ये हमारी नॉन ड्रिवन एंड जो होता है आपका पंप का वो है, और इसमें भी हम ऑयल डालेंगे। तो ये देखिए, और दोनों साइड से हमने पंप के अंदर जो है लुब्रिकेंट ऑयल डाल दिया, और ताकि हमारे जो बियरिंग है स्मूथ रूप से घूमे। और इसको हम सबसे जैसे ही हम लोग लुब्रिकेंट डालेंगे तो आपका जो रूटीन चेकअप है, रूटीन चेकअप में आप बेस प्लेट जो हमारी होती है, बेस प्लेट के नट बोल्ट देखेंगे कहीं पे लूजिंग, क्योंकि अगर आपका लूजिंग होगा तो पंप आपका वाइब्रेट करेगा, और दोनों साइड से चेकअप करेंगे। तो इस तरह से कि ये मैंने पहले ही ऑलरेडी इसको चेक किया हुआ है, और उसके बाद जो चलाने का प्रोसेस है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि चलाने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो डिलीवरी बिल है, ये मैंने पहले भी आपको बताया, डिलीवरी बिल आपका बंद होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले फिर आप स्टार्टर के पास जाएंगे, यहां से पंप को स्टार्ट करना है, इसको स्टार पे डालेंगे, इसको स्टार पे डालेंगे, और फिर स्टार पे डालने के बाद जब आपकी मोटर पूरा रनिंग पे आएगी तो फिर आपको ये रनिंग पोजीशन में आएगा, यहां पे आएगा। जब आप स्टार पे डालेंगे तो स्टार यहां पे और डेल्टा, क्योंकि हमारे पास स्टार डेल्टा यहाँ पे कनेक्शन है, ये हमारे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर जो वर्किंग है। तो इस तरह का जो प्रोसीजर रहता है, ये सभी जो बातें मैंने आपको बताई, तो ये गलती हमें नहीं करनी है कि या तो हमारा डिलीवरी बिल पहले खुला हो, क्योंकि अगर हमारा डिलीवरी बिल पहले खुला होगा तो मोटर आपका ज्यादा लोड लेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको नहीं भी पता, जिसको नहीं भी पता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप
जब भी आप मोटर को स्टार्ट करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर को जब ऑन करते हैं तो आपकी जो मोटर है 3 गुना करंट लेती है। तो इस वजह से आपका जब आपका डिलीवरी व्हील यदि खुला रहेगा तो खुला होने के कारण जो है आपके मोटर के ऊपर लोड आ सकता है और आपकी मोटर खराब भी हो सकती है। तो ये बातें आपको नहीं करनी है। तो चलाने से पहले आपको डिलीवरी व्हील बंद रखना है और उसके बाद आपको चलाना है। जब आप जो है मोटर को चला लेंगे, आपका मोटर जो है पूरी गति से घूमना शुरू कर देगा, तो उसके बाद आप जो है डिलीवरी व्हील को आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, जिस तरह से ये, इस तरह से ये। और फिर आपको अम्पेयर मीटर के ऊपर चेक करना है कि आपका अम्पेयर कितना ले रहा है, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यदि आपका अम्पेयर सही आ रहा है तो आपका पंप सही वर्क कर रहा है। यदि आपका अम्पेयर जो है आपका जो करंट है वो कम आ रहा है तो या ज्यादा आ रहा है तो समझो कोई गड़बड़ है या तो पंप के अंदर। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, और हमारा भी मैसेज उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल बटन को दबा करके, और साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।